आप सभी का स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती जन्म वार्षिकी आयोजन की जो ऑल इंडिया कमेटी है उसकी ओर से आज हम लोग हमारे देश के तीन महान शहीदों शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी शहादत दिवस मनाने के लिए आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी शहादत दिवस हम सभी जानते हैं 23 मार्च 1931 को हुई थी। कुछ खास परिस्थितियों के मद्देनजर हम ये कार्यक्रम आज 21 मार्च को यहां पर आयोजित कर रहे हैं। इन शहीदों को किसी इंट्रोडक्शन की या इनको किसी पहचान की आज देश और दुनिया को जरूरत नहीं है जो मैं आप लोगों के सामने में रखूं। हम सभी दिल से महसूस करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि इन शहीदों ने कितनी महान कुर्बानियां दी देश के खातिर, लोगों की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्होंने जो संघर्ष किया था ये संघर्ष देश को आजाद कराने के लिए तो था ही, लेकिन उन्होंने एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था जहां पर कि हर दुख और समस्या से लोग, कोई भी दुख और समस्या उनको घेरेगा नहीं। आज का ये दिवस जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आयोजन कमेटी की ओर से मना रहे हैं तो बहुत गहरा ताल्लुकात इन शहीदों के बीच में है। भगत सिंह का संघर्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष, इन क्रांतिकारियों का संघर्ष, आज हमें इसको बहुत गहराई से समझने की, जानने की और आज के समय की खास परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि हम सही मायने में उनके सपनों का देश, उनके सपनों का भारत का हम निर्माण कर पाए, यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद है। और शायद इसी मायने में शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा कहा गया उनका वो तीसरा रिश्तेदार, सही मायने में हम अपने आप को तभी इनके तीसरे रिश्तेदार के रूप में हम अपने आप को कह पाएंगे। तो आज हम लोग यहां पे कार्यक्रम की शुरुआत इन शहीदों की याद में, इस सभा की शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले किसी भी सभा की अध्यक्षता के लिए, किसी भी सभा को संचालन के लिए एक अध्यक्षता की जरूरत होती है और मैं इस सभा जो चलेगी उसके अध्यक्ष के रूप में श्रीमती प्रतिभा भारती मुखर्जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑल इंडिया कमेटी की महासचिव हैं, मैं उनका नाम प्रस्तावित करता हूं आज की सभा के अध्यक्षता के। मैं श्रीमती प्रतिभा भारती मुखर्जी से अनुरोध करूंगा कि वह यहां सामने में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आज की सभा के और एक वक्ता और प्रसिद्ध इतिहासकार, जो काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उनका इतिहास के क्षेत्र में रहा है, बहुत खुशी।
खुशी की बात है कि वो भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी इस सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं प्रोफेसर केन श्रीमाली उनका स्वागत करता हूं और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी यहां पर सामने में आकर स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर बी एन राजशेखर, जो ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमिटी कर्नाटका चैप्टर के सेक्रेटेरिएट बॉडी मेंबर हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस कमिटी के एक ऑल इंडिया सेक्रेटेरिएट मेंबर हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और वो यहां आए और वो हमारे बीच में स्थान ग्रहण करें। अभी हम लोग तीनों शहीदों के तस्वीर पर हम लोग माल्यार्पण के काम से हम लोग शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर केम श्रीमाली से अनुरोध करूंगा कि वो यहां पे आएं और शहीदों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करें। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है खड़े रहें। कमेटी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रतिभा भारती मुखर्जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी शहीदों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करें। मैं अभी श्री वी एन राजशेखर से अनुरोध करूंगा कि वो भी शहीदों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करें। मैं अभी सभी साथियों से अनुरोध है कि वो बैठ जाएं। मैं आगे की कार्यक्रम के संचालन के लिए श्रीमती प्रतिभा भारती मुखर्जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे कार्यक्रम का संचालन करें। सभा का आयोजन हुआ है आप लोग जानते हैं, यहाँ पर प्रशांत कुमार जी यहाँ रखे हैं। किस मकसद से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, आज आप लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को हमारे देश की तीन जो महान क्रांतिकारी शहीद है आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते पर देश की मुक्ति के लिए अपना जान कुर्बान किए थे। उसी दिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी कमेटी की तरफ से इसका आयोजन हुआ है। हमारे बीच में उपस्थित है प्रख्यात ऐतिहासिक इतिहासविद प्रोफेसर श्रीमाली जी, KM श्रीमाली जी। आप लोग जानते हैं अभी कोरोना पीरियड में विभिन्न जगह पर काफी सारा लॉकडाउन वगैरह है, कुछ नियंत्रण है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम लोग छोटा सा हॉल में इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से पूरे देश भर के हमारे कमेटी के साथ जुड़े हुए सारे व्यक्तित्व, आम जनता इसमें शामिल है, हमारी इस सभा को वो देख रहे हैं और सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम साधारण जनता, विभिन्न व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तियों जो इसमें शामिल है हमारे साथ, आज इन तीनों सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका भी मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए जो जूम और विभिन्न ये जो फेसबुक है, जो ऑनलाइन माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनमें से एडमिरल रामदास जी और बहुत सारे लोग ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व इसमें शामिल है। मैं एडमिरल रामदास जी को भी हमारे कमेटी की तरफ से तहे दिल से अपना स्वागत करती हूँ, उनको धन्यवाद मैं देती हूँ। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में जो उपस्थित होने की बात था, आप लोग जानते हैं जस्टिस एपी साहब, हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है इस कमेटी की, उनको उन्होंने ये जो कोरोना का जो वैक्सीनेशन के वजह से वो काफी माने उनका सेहत खराब हो गया है, नहीं तो उनको आज यहाँ पर उपस्थित रहना था। हम लोग आशा किए थे उपस्थित रहेंगे, लेकिन उनको बुखार चल रहा है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। जून में भी उपस्थित रहने की बात था लेकिन नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को बताए हैं और दुख प्रकाश किए हैं। उसके अलावा हमारे बीच में आज रहेंगे जूम के माध्यम से प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन है, वो जूम में अपना वक्तव्य यहाँ पर रखेंगे। मैं आप तमाम साधारण जनता, विशिष्ट व्यक्तित्व और यहाँ पर जो ऑफलाइन में जो लोग उपस्थित हुए हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग उनका वक्तव्य को भी सुने। यहाँ हमारे जो साथी लोग, वॉलेंटियर लोग उसका इंतजाम किए हैं, यहाँ पर उसको आप लोग सुन सकेंगे हॉल का अंदर ही। तो अभी हम लोग कार्यक्रम का शुरू करने जा रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम शुरू होगी दिल्ली, हमारे जो दिल्ली के जो साथी हैं वो शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धा अर्पित करते हुए एक संगीत पेश करेंगे। मैं दिल्ली के सभी साथियों को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। सर पर ऋषि की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर पर ऋषि की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी ही तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे कर लाई है हमको कर्ज होने की उम्र। खेच कर लाई है हमको कर्ज होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट खून जाएगा दिल में है, दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज फिर मातल में कातल कह रहा है बार बार, आज फिर मातल में कातल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, क्या किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। साथियों, अभी हम लोग ये जो ऑनलाइन में हमारे जो कार्यक्रम है, आप लोग को मैंने इससे पहले ही सूचित किया कि प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब वो जूम में हमारे साथ हैं और अभी अपना वक्तव्य को रखेंगे, हम लोग उनको सुनेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो वॉलेंटियर है उसका अरेंजमेंट करें और थोड़ी सी समय, 2 मिनट का समय आप लोग दीजिएगा और मदद कीजिएगा इसको हेल्प मैंने करने के लिए।
दिनेश हेलो मुझे आज थोड़ा दुख है कि ऐसे ऐसे अवसर पर जो इतना पावन अवसर है हमारे लिए और भगत सिंह और उनके साथियों का शहीद दिवस है उस समय पर मैं खुद उपस्थित नहीं हो सका और अभी समय भी मैं गाड़ी के अंदर हूँ और मेरी कनेक्टिविटी बहुत बहुत ही अनस्टेबल है, लेकिन थोड़े समय में कुछ कहना चाहूंगा, हो सकता है अब तक आवाज सही पहुंचे। मैं शहीद भगत सिंह के बारे में पिछले वर्षों से बोलता रहा हूं और लिख भी रहा हूं और हमेशा कोशिश ये करता हूं कि लोगों को ये बताया जाए कि शहीद होना भगत सिंह के लिए काफी नहीं है या उनकी शहादत को याद करना काफी नहीं है। वो शहीद थे जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए और हम करते हैं, लेकिन भगत सिंह एक विचारक थे, एक क्रांतिकारी विचारक थे। आज के जमाने में, आज के भारत में जो उनके विचार हैं, उनकी महत्ता, उनका यूजफुलनेस, रेलेवेंस आज उतना ही ज्यादा है जितना उस समय था। और मुझे ये कहते हुए हमेशा दुख होता है कि उनके वो विचार जो उन्होंने 1920 के दशक में व्यक्त किए नौजवान के रूप में, वो विचार आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमने बहुत कुछ बदला इस देश को, यहाँ के सामाजिक ढांचे को, यहाँ के राजनीतिक ढांचे को, यहाँ की और बहुत सारी चीजें बदली देश की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जो भगत सिंह चाहते थे जो नहीं हो पाया। और उनमें से तीन चार चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ छोटे थोड़े से समय में। एक तो बहुत ही ऐसा आंदोलन है जिसके बीच में हम सब लोग हैं आज, फार्मर्स एजिटेशन जिसको कहा जाता है। भगत सिंह और उनका परिवार मतलब उनके चचा, उनके पिता के छोटे भाई सरदार अजीत सिंह, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भगत सिंह सिर्फ एक अकेले क्रांतिकारी नहीं थे, परिवार उस परिवार से क्रांति का जुड़ाव बहुत पुराना है और अलग अलग समय पर, अलग अलग मौके पर परिवार के सदस्यों ने, लोगों ने अपनी जान निछावर की, अपने देश की लड़ाई की संघर्ष को आगे बढ़ाया। आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ देश में, उससे भगत सिंह के परिवार का डायरेक्ट संबंध है। पंजाब ही के राज्य में, उस समय के पंजाब में, भगत सिंह के चचा ने लाजपत राय के साथ मिलकर और काफी लोगों के साथ मिलकर एक बुरा आंदोलन खड़ा किया जिसको पगड़ी समाज जट्टा मूवमेंट कहा जाता है। और तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि भगत सिंह के परिवार का संबंध जो आज हमारे देश में हो रहा है उससे कितना गहरा है और कितना पुराना है। 1907 में ये मूवमेंट चला और बड़े अजीब बात है कि 1907 ही का वर्ष है जब भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर को, और 1907 में ही पगड़ी समाज जट्टा मूवमेंट अजीत सिंह चलाते हैं पंजाब में। तो ये एक ऐसा परिवार था जिसका संबंध क्रांति से, गरीबों की लड़ाई से, किसानों की लड़ाई से बहुत पुराना है। तो आज की जो लड़ाई है वो भगत सिंह के परिवार से डायरेक्टली संबंधित है, भगत सिंह से खुद डायरेक्टली संबंधित है, उनके वैचारिक संबंध है आज की लड़ाई से। ये तो मैंने एक मिसाल दिया। उसके अलावा भगत सिंह ने पूरे जीवन में, जो बहुत थोड़ा सा जीवन है क्योंकि वो 23 साल कुछ महीने की उम्र उनकी रही, और उस उम्र में जब उन्होंने लिखना शुरू किया वो उस समय उनकी आयु 17 या 18 साल थी। पहला लेख उन्होंने 1924 में लिखा, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये उम्र, इस उम्र में आज का नौजवान कायदे से सोच भी नहीं सकता है। और उस समय भगत सिंह ने 1924 में एक छोटी सी उम्र में एक ऐसे विषय पर लेख लिखा जिसके बारे में सोचना भी बहुत कठिन है, लिखना तो रहा दूर, जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व भाईचारा,
अब उस पर वो चार पांच पेज का एक लेख लिखते हैं, मतवाला में कलकत्ता के पत्रिका होती थी उसमें छपता है, और आप उसको अगर आप पढ़ें आज तो आपको ये विश्वास ही नहीं हो सकता है कि इस प्रकार का लेख कोई 17 या 18 साल की उम्र का नौजवान लिख सकता है। तो भगत सिंह की का जुड़ाव सोच से और दुनिया के इतने कठिन जटिल विषयों से इतना पुराना है, इस छोटी सी उम्र से है, कि उसकी कदर हमने, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हमने वो कदर की जो जो कदर हमें करनी चाहिए, जो इज्जत हमें देनी चाहिए। हम सिर्फ शहादत की बात करते हैं, 2 दिन बाद 23 मार्च है, 23 मार्च को हम फूलमाला अर्पण करके अगले 23 मार्च का इंतजार करेंगे। बीच में जो पूरा जीवन हमारा गुजरता है उसमें भगत सिंह के विचारों को किस तरह से हम धारण करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, ये इस पर हमारा कोई ध्यान कभी कभी नहीं जाता, तो सबसे दुख की बात यह है। तीसरा विषय जो आज बहुत ही कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस का है और भगत सिंह का को जिस पर बहुत ही नाज था उन विचारों पर, वो है छूत अछूत का सवाल। भगत सिंह ने 4-5 पेज का पूरा आर्टिकल लिखा कीर्ति में 1928 में, और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए इस मुल्क में वर्चों से एक ऐसा बड़ा समाज है जिसको आप अपने घर में नहीं घुसने देते, जिसके छूने से आप अपवित्र हो जाते हैं। और वो खुद लिखते हैं, उन्हीं की भाषा मैं दोहरा रहा हूं, कि आपकी गोद में कुत्ता आके बैठ सकता है लेकिन अगर अछूत आपको छू ले तो आप अपवित्र हो जाते हैं। तो ये सब चीजें भगत सिंह ने 1928 में लिखी। हमारे नेता वही लिखते हैं और उनकी बहादुरी देखिए भगत सिंह की, कि वो उस समय नाम लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के वो क्रिटिकली लिखते हैं कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस पार्टी के वो बड़ी अस्पृश्यता के खिलाफ, अछूत प्रथा के खिलाफ बड़ी बड़ी प्रथाएं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं और पब्लिकली हेलो हेलो भगत सिंह ने कोशिश किया कि इस तरह के सवालों को खाया जाए जो हमारे समाज में वर्षों से, जिनसे हमारा समाज पीड़ित है, और ये हिम्मत की कि नाम लेके लोगों को आगाह करें कि इन लोगों से इस तरह की राजनीति करनी चाहिए, किस तरह से फिर से बरसी की बात करते हैं और करते हैं। ये भी 1928 के दशक में, 1928 के वर्ष में जून जुलाई के महीने में कीर्ति में उन्होंने लेख लिखे बहुत सारे, और साफ साफ बताने की कोशिश की कि हम लोग प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। आज मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ कि आज प्रेस की बहुत बात होती है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस समय सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस थी, अखबारों को वर्क करते थे पत्रिका, और उनसे भी भगत सिंह सेटिस्फाइड नहीं थे और ओपनली उन्होंने लिखा कि हमारी जो प्रेस है वो इतनी इतनी इरेस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है कि वो भड़काऊ हेडलाइंस लगाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, समाज को बांटते हैं। ये 1928 की बात है, और यही नहीं, वो एक जो अपनी जिम्मेदारी है प्रेस की, उस जिम्मेदारी को निभाने में टोटली नाकामयाब। उनको ये चाहिए कि वो एक साझा राष्ट्रवाद पैदा करें, इंडिविजुअली संस्कृति को आगे बढ़ाएं, प्लूरलिज्म को आगे बढ़ाएं, उसके बजाय वो देश में लोगों को लड़वाते हैं। तो ये 1928 में भगत सिंह कह रहे हैं। तो आज जो प्रेस में हम देखते हैं वो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ये एक जो वर्ग है प्रेस में
ये गैर जिम्मेदार बिहेवियर उसका बड़ा पुराना है जो भगत सिंह ने उस समय नोटिस किया। तो ये सब जो विषय है भगत सिंह ने उठाए, वो मुझे नहीं लगता है कि आज हम ज्यादातर लोग उसके बारे में वाकिफ भी हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। हम शहादत की बात करके भगत सिंह को भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भगत सिंह ने अपने जीवन में एक नौजवान के रूप में हमारे सामने रखी। तीसरी चीज जो आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसको बार बार कहा जाता है और खासतौर से यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो हो रहा है और उसको लेके हमारी सरकार भी बहुत बार सवाल उठाती है कि स्टूडेंट्स का काम तो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना है, वो राजनीति कैसे कर सकते हैं, ये काम तो उनका ही नहीं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनको भगत सिंह जैसे शहीदों से किस जीवन से मिल सकता है। भगत सिंह ने अपना सारा संघर्ष स्टूडेंट लाइफ में किया, सारे भगत सिंह अकेले नहीं, उनके जितने साथी थे सब नौजवान थे, सबने अपने कॉलेजेस से लड़ाई शुरू की, उसी समय शुरू किया जब वो जो अपने कोर्सेज भी खत्म नहीं कर पाए, अपनी पढ़ाई के दौरान ही सब कुछ लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। और ये कहना कि क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो आज तो कोई अंग्रेज नहीं है, आप आज कैसे लड़ाई लड़ सकते हो। भगत सिंह ने इस पर भी कई बार अपने कोर्ट के स्टेटमेंट्स में, अपने नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टोज में, HSRA के बहुत सारे मैनिफेस्टोज में साफ जाहिर किया इस बात को कि हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, और वो शोषण चाहे हमारे अंग्रेज करें चाहे अंग्रेजों के बाद हमारे देसी शोषण करने वाले करें, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी लड़ाई जब तक रहेगी जब तक शोषण रहेगा, जब तक 98% हमारी सरकार को पर काबिज नहीं होंगे, 2% का शासन अगर रहेगा तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये कहना भी गलत है कि भगत सिंह ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए झंडा उठाया, उन्होंने एक समाज को बदलने का झंडा उठाया। उस समाज में चाहे लड़ाई अपने देशवासियों से लड़नी हो, चाहे वो लोग हो जो अपने देश के लोग एक वर्ग गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण करता है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ते रहेंगे। तो ये एक मैसेज है जो भगत सिंह हमारे लिए देखे गए, और अफसोस की बात है कि हम लोग इन सब विचारों से ज्यादातर लोग, कुछ को छोड़ दीजिए, ज्यादातर लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जानते भी नहीं कि भगत सिंह असल में किन विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे, किस प्रकार का भारत देखना चाहते थे। शहादत काफी नहीं है, शहीद तो भगत सिंह के साथ राजगुरु भी हुए, लेकिन उनकी इज्जत हम करते हैं, सब शहीद हुए इज्जत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इज्जत अधूरी है, इनकम्प्लीट है अगर हम उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम उनको एक विचारक के रूप में याद नहीं करते हैं। तो आज मैं हर बार ये कहता हूँ नौजवानों से खासतौर से कि हमको उनके विचारों को आगे बढ़ाना है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भगत सिंह के पद चिन्हों पर, शहादत के पद चिन्हों पर नहीं, वो काफी नहीं है, वो सैक्रीफाइस करने की जरूरत है भी नहीं, ना वो सैक्रीफाइस की डिमांड हमारा देश करता है, असली सैक्रीफाइस है उनके विचारों को आगे बढ़ाना, ये भगत सिंह की असली याद है। और अफसोस की बात है कि अक्सर हर साल यही होता है कि हम पूरे एक साल भगत सिंह को भूल जाते हैं, कोशिश नहीं करते कि भगत सिंह के विचारों को अपने जीवन में अर्पित करें, अपने जीवन में उतारें, रोजमर्रा जिए भगत सिंह को, उनके विचारों को जिए। भगत सिंह हमारे लिए मृत नहीं है, मैं भगत सिंह को कभी भी मृत नहीं मानता हूँ, भगत सिंह के विचार जिंदा है, और भगत सिंह के जब तक विचार जिंदा है तब तक भगत सिंह हमारे बीच में है, और यही बात हर क्रांतिकारी के बारे में कही जा सकती, जिसने जो भी विचारक था, जिसने कुछ विचार छोड़े। चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हम इज्जत कर सकते हैं एक क्रांतिकारी के रूप में जो हम करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हम पढ़ के प्रोत्साहित हों, जिससे पढ़ के हमें कुछ रास्ता दिखाई दे। भगत सिंह ने तो हमारे लिए एक पूरा पूरा एक कॉर्पस ऑफ लिटरेचर लेफ्ट बिहाइंड, एंड इट इज आर मिसफॉर्च्यून दैट वी डोंट इवन लुक एट इट, वी डोंट इवन बॉदर टू रीड इट और अंडरस्टैंड इट और टेक इट फॉरवर्ड इन आवर लाइव्स। तो
तो असली मकसद हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि हम उन सब विचारों को आगे बढ़ाए जो भगत सिंह ने अपने जीवन में ही से अपने एक्सपीरियंसेस से चाहे, और मुझे लगता नहीं कि कितनी बात मेरी आप तक पहुंच रही होगी, और उसमें विश्वास भी नहीं हो पाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इतनी बात कह के मैं खत्म करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। And friends, today we all got together to celebrate Netaji Subhash Chandra Bose's 125th birthday and also Shaheed Bhagat Singh. Both were great patriots, and we have to learn a lot from them. In many ways, all Netaji was an unsung hero, a fierce patriot who was uncompromising in his fight against British colonization, against poverty, and against communalism. He was deeply committed to promoting scientific and secular values for the new media and the new India. He, with his Bhagat Singh and others, are great role models for young people today. I wish all of them success in the future and hope that you shall remember this. They were both men of great courage, commitment, and credibility. And with those words, I'd like to say thank you very much for letting me have this occasion to speak to you, because I think it's terribly important for us to understand the man that he was. Thank you. Video messages ke zariye apna on behalf of the माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्लीज अनम्यूट योर माइक मिस्टर रामू रामदास। Thank you.
that would cause echo. Hello, sir. Sir, your mic is mute. Please unmute your mic. And at the same time, please. Hello. Sir, please unmute your mic. Sir, your mic is mute. Sir, your mic is mute. Please unmute it. We are not. Your voice is not audible to us. Hello. Yes, now clear. Yes. Yeah, because you came now, the host was not allowing him to unmute. Oh. So only now it is unmuted. Okay. Okay, now it is okay. You are fine. Okay. Yeah, I'm all right. I'm listening in and quite happy. I want to thank Professor. Be quiet, just wait. Maybe you want him to say something. You just want him to unmute. Sir, yes. Speak now, sir. Hello? Hello? Hi. You can speak now, sir. You can speak now, sir. Switch on. Switch speak off. Speak now, Ramu. Speak now. Sir, good afternoon. I am Rajshekhar here. Hello. Yeah. Sir, yeah, you can speak a few things, sir. Okay. Yeah, you can. Good afternoon. I was very happy to hear the very fine rendrance by the speech by Professor Irfan Habib. And luckily for me, I understand Hindustani, Urdu, everything, so it's nice. I enjoyed that very much. And we have all got together for Shahid Bhagat Singh's day of anniversary. And you know, this young man in his time achieved so much in such a small time. It reminds me of the kind of financial constraints that we have been through, and I know I lived through that when I was the chief, and right now we are going through even much worse times with hardly anything. Then at least we had one, I think, million pounds sterling in the bank in London, but now I don't think we have anything. We have to borrow from here and there everywhere. So therefore, it's the kind of situation we are all facing, and we'll have to face it very squarely. And it doesn't mean it's the end of the day at all. There are many, many people who are doing a lot of good work, especially the young people, and we like to believe that, you know, only oldie boldies like me and others are perhaps doing something. I can guarantee you that we are doing practically nothing. It's the young people, the youth, the future generations who have to take on the responsibility. And they will, I'm absolutely sure, because history tells us that these things have a tendency to repeat itself. And there will be many Bhagat Singhs in this country. Take it from me. It's not only the late Shahid Bhagat Singh. Of course, he was a terrific example of somebody at such a young age, having attained so much of knowledge and information, especially in those days when there was no mobile phone, no Google, no this, no that. And it just shows that how much of leeway they made up in such a short time. I think it's terribly important that we understand the meaning of this. And it is also equally important, in my way of thinking, that these are the days and times when people must learn to adjust to the changing circumstances, the changing environment, the changing young and youth and their aspirations. After all, when we were one British India, when I was a young citizen of 14 or some 14 and a half, I had already joined the Navy, you know. I had gone from my interview at
in March of 1948, a month or so after the unfortunate assassination of Gandhiji. So, you know, these are times, great tribulations, but then we have built a nation and we were also confident that everything will go smoothly for us. But as we have seen, we have come across a little obstacle. We'll have to overcome that obstacle. That's about all. I mean, history doesn't end because somebody said he came and he went. Yes, of course he came, he went. We have had hundreds of soldiers in the past in World War I, World War II, who have laid down their lives, and many of them were very fine Sikh soldiers. And many of them, and even today in our services, we have complete identity of an Indian. You get people from all over the country, even now. And naturally, there are people who lend themselves to certain, you know, kinds of work which is quite used to them. And therefore, one should not feel that, oh, ye bahadur hai, ye kam hai, ye zara hai, isse to kuch hota nahi hai. Kehne ki baat hai, but sab log apne apna kaam karte hain. Sab log, aur khas kar yuva logon ko humko tareef karne ki baat hai, ki inme itni zyada josh hai, aur is josh ko hum ikattha laake na, phir dekhiye maza kya aata hai. Kyunki tabhi rehne mein bhi kuch na kuch hota rehta hai. And एक और चीज की बहुत जरूरी कि हम लोग सब जो साइंस है, जो नॉन कम्युनल चीज है, ये सब बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, मेरे नाव में ये नहीं पूछ सकते अपने जहाजों में, भाई तुम कहाँ के हो, अगल बगल में बैठते हैं. मेरे ये इतना ही होता हमारे यहाँ, तुम वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, बस और कोई पूछता नहीं है. जो करना आप करो, जिसको आपने पुकारना उसको पुकारो, पर आप दूसरे से कुछ इथार ये मत करो, क्योंकि वहाँ पे जगह और टाइम नहीं मिलता है. अब आप बंदूक में भी देख सकते हैं क्या होता है. जब अंदर जाते हैं कोई तुम्हारे साथ नहीं है, हाथ आके पकड़ ले और खींच ले तुम्हें बाहर. आप सबको मिलके एक दूसरे पर डिपेंड करता है. ये नहीं पूछता भाई ये वो है, ये वो है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. और ये जात, जाति, रिलीजन, यानी कि आपका धर्म, ये सब बेकार की बातें हैं. इससे कुछ नहीं होने वाला है. बस टेम्पररली वन मे फाइंड दैट यू गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ रिलीफ, बट इन द लॉन्ग रन आई एम अफ्रेड दीज थिंग्स डोंट वर्क. तो इतने शब्दों के साथ अभी तो मैं इसी को बंद करता हूँ. और सबसे उम्मीद है कि हमारे युवा लोग अपना अपना तरफ की जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. आप गलत मत समझिए, जो भी आपको कहे गलत कर रहे हो, बस उनकी झगड़ा मत करो, पर अपना रास्ता देखते कल काम करते जाओ. बस बात खत्म, लक्कड़ हजम. और इन शब्दों के साथ मैं अपने ये छोटा सा, इट इज क्वाइट अ स्टोरी टू टेल, बट देयर आर प्लेंटी मोर थिंग्स टू से, बट आई वोंट डू इट नाउ. आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट शेयरिंग. और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने अच्छी तरह से सुना है, बात की है. और आप जिस लिए यहाँ पे आए हैं, आपको ये अच्छी समझदारी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं. दो चार जन से ही शुरू होता है, बाद में सब आ जाते हैं, जोश आ जाता है उनमें. इसकी आपको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी. थैंक यू, नमस्ते. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Very inspiring speech, not only speech, it is a very inspiring advice for all of us. Now I will request our volunteers to present the video message of Dr.
Dhruva Jyoti Mukhopadhyay, renowned scientist, or हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वां वर्ष जन्म वर्ष जो सेलिब्रेशन कमेटी है उस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट उनका वीडियो मैसेज यहाँ पर पेश किया जाएगा. इट इज बिफिटिंग दैट द ऑल इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कमेटी इज ऑब्जर्विंग द मार्टिरडम डे of Shahid Bhagat Singh, Rajguru and Shukdev, because it was Netaji Subhash Chandra Bose who on the day before the execution rushed to Gandhiji to plead that Gandhiji put pressure on the British government to stay their execution. Sadly, this did not happen and the trio went to the gallows on March 23, 1931. With his invincible courage, flaming patriotism and unshakable conviction, Bhagat Singh was one of the most luminous characters in the history of our freedom struggle. He walked to the gallows with pride and honor, and on the day before his execution, he refused to plead for mercy and declared, "If I mount the gallows boldly and with a smile, that will inspire Indian mothers and they will aspire that their children should also become Bhagat Singh." And indeed, Bhagat Singh's martyrdom inspired revolutionaries of many generations in our freedom struggle. Bhagat Singh was a revolutionary. His aim was not to, his aim was to free the people not just from the yoke of the British rule, but he also wanted to free the countrymen from the clutches of exploitation, oppression, poverty, and misery. His vision was to organize the people in revolutionary struggles against capitalism, imperialism. His inspiration was the Bolshevik Revolution, which overthrew the Tsarist regime and the compromising bourgeois government to establish socialism in Russia. Shahid Bhagat Singh's glorious struggles and supreme sacrifice inspires us even 90 years after his martyrdom. However, it is regrettable that the dreams of Bhagat Singh's and his revolutionary compatriots of a free India, free from exploitation and oppression, did not materialize, and we can see our present society in the clutches of mounting oppression and exploitation of the people. On this day of the martyrdom, it is for us to take the pledge to devote ourselves to the struggle, to the revolutionary struggle, to free the country from exploitation and oppression. I hope that the All India Committee will undertake the task to cultivate and propagate the ideals and life struggle of Bhagat Singh and other revolutionaries in the country, among the people, and so that many more from these activities, many more Bhagat Singhs will emerge from amongst the youth of our country, who will lead the struggle for an exploitation-free India in future. Long live Bhagat Singh, long live Netaji Subhash Chandra Bose. Thank you, Dr. Dhruva Jyoti Mukhopadhyay.
our Honorable Vice President of the committee. Now, our this committee's working president, Professor Soumitra Banerjee, renowned scientist, his message will be, we'll hear him. On behalf of the Netaji Subhash Chandra Bose 125th birth anniversary commemoration committee, we are today commemorating the 91st martyrdom day of the three valiant revolutionaries, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Today we are passing through a cultural situation in which the glorious heritage of Indian freedom struggle are being forgotten, and the powers that be are taking all steps in order to make the youth forget this glorious phase of Indian history. Every country, every society has a history. Out of that, some are glorious, things to be remembered, important characters to be made heroes out of, so that the generation today try to emulate them in their lives. And there are also dark phases in any country's history that needs to be forgotten, that needs to be undone. Now, in case of India, yes, there was a, I'm not talking about the ancient time, I'm talking about the relatively more recent past, when India was subjugated, India was colonized, India's resources and people were being exploited by a foreign power, the British. And at that time, there was a band of revolutionaries who took up upon themselves to fight, to struggle, to free India from the bondage. And that tradition actually is the glorious tradition of recent India's history. Remember, at the same time, there were people who were collaborating with the British. There were people who were turning away, who were opposing these revolutionaries. There are ways in which they are trying to make the younger generation forget about this glorious past. For example, only the last year we saw the new education policy being tabled. We looked at it with a lot of hope that it would change the course of the education system in India to make it better. We saw it in it a large number of times in which Indian heritage, Indian knowledge system and things like that were being discussed. But not a single time was the glorious heritage of Indian freedom struggle was mentioned as a part of Indian heritage. Which means, by Indian heritage, they understand something else, not that glorious past. But if we want to solve the problems of the country today, the youth of the country have to take up the torch where these revolutionaries left off. Revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Ashfaqullah Khan, Master Dasgupta Surya Sen and others, those who fought and laid their lives for the sake of emancipation of the country. Where were they fighting? They were fighting against injustice. They were fighting against wrongs. Wherever they saw any injustice being done, wrong being committed, they protested, valiantly protested. And that tradition of protesting against any injustice, protesting against any form of exploitation,
protesting against any wrong being committed. That is a character of youth. And today's youth, they are trying to make today's youth forget that important place that every youth has to take. Today we are trying to remember, trying to commemorate that time so that the message reaches the youth that these are the heroes. Not the players, not the film actors, but these people are the heroes, and we should try to emulate them, their character, their struggle in our lives. In the present context of the present time, it was a different context at that time. Today the rulers are different, but today still the injustices are there. Today still the exploitation is there. Today wrongs are being committed. Therefore, in continuation of that tradition, if we uphold that tradition, our youth, youth of today, should protest. And in order to do that, we have to keep alive the memory of this glorious phase of Indian history. When the hero was Netaji Subhash Chandra Bose, when the hero in the minds of people was Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, people like that. So let us commemorate their struggle. Let us commemorate the way they lived, and let us imbibe in the youth that sense of youth. Youth is youth because they can protest. Whenever there is any injustice done, they can protest. I wish this program all success, but this is only the beginning of a year-long propagation of the history, the struggle that the freedom struggle of India, freedom fighters of India did, carried out. We have to reach the large Indian populace with that message, with that history, so that there will be fire burning in their hearts, and they will try to emulate in their lives the life struggle of these great revolutionaries. Thank you very much. Thank you, Professor Soumitra Banerjee, our working president. Now, the video messages and the Zoom program is over for us. I request all of you, may aap tamam jo audience yahan par aaye hain, jo bhi visheshth vyakti bhi yahan par aaye hain, aap logon se main aagrah karungi ki aap log thodi der aur dhairya purvak baithe aur hamara karyakram ko aage badhne mein madad kare. पहले ही हम लोग यहाँ पर घोषणा किए हैं, आज की ये जो कार्यक्रम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑल इंडिया कमेटी के तरफ से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. भारतवर्ष की आजादी आंदोलन की महान क्रांतिकारी, तीन क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनके 91st शहादत दिवस को पालन करने के लिए, उनके जीवन के बारे में चर्चा करने के लिए और उनसे जो भी लेना है उसको लेने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं. हमारे बीच हम लोग, हमें बेहद खुशी है कि हमारे बीच उपस्थित हैं रिनाउंड हिस्टोरियन, इतिहासविद प्रोफेसर सीमाली जी, के एम सीमाली जी. तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारे सामने अपना वक्तव्य को रखें. प्रोफेसर सीमाली जी वैक्सीनेटेड हुए हैं रिसेंटली, उनको बुखार भी है,
तो मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगी कि वो बैठकर अपना वक्तव्य रखें। प्रोफेसर के एम श्रीमणि जी। प्रोफेसर मुखर्जी, प्रोफेसर राजशेखर और हॉल में उपस्थित साथियों, पिछले तकरीबन एक घंटे से जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसके बाद शायद मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब से भिन्न होते हुए मैं उनके सलीके का विद्वान नहीं हूँ, और जितना अध्ययन भगत सिंह के बारे में उन्होंने किया है उसका तो शायद किंचित मात्र भी मैं नहीं कर पाया हूं कभी भी। एक आम भारतीय के नाते और एक आम भारतीय नागरिक के नाते आज मैं दोनों व्यक्तियों को याद करना चाहूंगा, भगत सिंह को भी और नेताजी सुभाष बोस को भी। बोस भी मेरे निजी अध्ययन क्षेत्र से बाहर के हैं। मेरा अध्ययन क्षेत्र हमेशा से प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है, इसलिए जब डॉक्टर सौमित्र बैनर्जी भारतीय विरासत की बात कर रहे थे और किस तरह से आज की शिक्षा नीति में उस विरासत की सीमाएं बता रहे थे, तो मुझे कुछ कुछ अपने अध्ययन क्षेत्र की बातें याद आ रही थी। और किसी तरह से मैं इन दोनों व्यक्तियों को आज उससे भी जोड़ना चाहूंगा, वर्तमान संदर्भ को न भूलते हुए। सैयद इरफान भी ने जिक्र किया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का और शहीद आजम भगत सिंह की उस लड़ाई का जो उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध छेड़ी, और बताया कि किस तरह के भारत की कल्पना उन्होंने की थी, आजाद भारत की कल्पना उन्होंने की थी। मैं आपका ध्यान भगत सिंह की एक ऐसी छोटी सी रचना की ओर दिलाना चाहूंगा जो बहुत ही गंभीर रचना मानता हूं मैं, और अगर कविवर रहीम की पंक्तियां याद करूं जिसमें वो कहते हैं कि जो छोटापन है वो भी गंभीर घाव पैदा कर सकता है, भगत सिंह की वो रचना कुछ उसी किस्म का काम करने लायक है। मेरा इशारा है उनकी एक रचना Why I am an Atheist, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं निरीश्वरवाद क्यों हूं। ये रचना उन्होंने अपनी शहादत से कुछ ही महीने पहले लाहौर जेल में लिखी थी, और खुफिया तरीके से उसको जेल से निकलवाया गया, और बाद में यह रचना उनकी शहादत के कुछ महीने बाद लाला लाजपत राय के अखबार में पहली बार छपी 1931 में। कुछ लोग कहते हैं कि वो जून के महीने में छपी, जून 31 में 1931 में, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सितंबर 1931 में छपी। बहरहाल रचना ये छपी उनकी शहादत के बाद। ये वो रचना है जो हमको भगत सिंह का ऐसा रूप पेश करती है जिसको पढ़कर हम हैरत के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते।
जानते हैं हम कि मात्र 24 से कम वर्ष की उम्र में वो हमको विदा करके चले गए, विदाई ले गए, शहीद हो गए। इतनी छोटी सी उम्र में इतना गहन अध्ययन समझ में नहीं आता कैसे। जैसे इरफान हबीब साहब ने कहा कि आजकल उस उम्र के बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि किस दिशा में जाना है। इस पुस्तिका में वो शुरुआत करते हैं इस बात से कि लोग ऐसा मानते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत अहंकारी हूं और शायद इसीलिए उस ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता जिसमें आम तौर से लोग उसे सर्वव्यापी मानते हैं, सर्वज्ञाता मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं। वो सब विशेषण जो कहीं ऊपर स्थित भगवान के बारे में लोग मानते रहे हैं, भगत सिंह अपने को उनसे दूर रखते हैं और शुरुआत इस बात से करते हैं कि चूंकि मैं ईश्वर की ऐसी सत्ता को नहीं मानता इसलिए लोग मुझे अहंकारी कहते हैं। ये वो रचना है जिसमें उन्होंने एक विशेष मेथोडोलॉजी से इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करी कि वो नास्तिक क्यों हैं और कैसे हैं। ये नहीं है कि उनका अचानक से कहीं कुछ सिर फिर गया और उन्होंने सोच लिया कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं करना। वो बहुत से सवालात उठाते हैं, उनके जवाब देते हैं और फिर तर्क देते हुए बताते हैं कि ऐसा क्यों है। इस संबंध में मैं इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि नास्तिकता की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है और वो इस बात का जिक्र भी करते हैं भगत सिंह, खासतौर से चारवाकों का जिक्र करते हैं। चारवाकों को हम मान लेते हैं कि वो कम से कम 2500-3000 साल पहले भारत में विचारक रहे हैं और उनका जिक्र करते हुए स्थान स्थान पर ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा का मखौल उड़ाते हुए पुराणों का, वेदों का और उनके आंतरिक साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक और विचारक की बात याद आती है और जब मैंने भगत सिंह की ये रचना पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे शब्दशः अक्षरशः भगत सिंह जो है वो उसी विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इशारा है महात्मा बुद्ध की ओर। हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध किस तरह से ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे, पर जो उनके विचार का मेरी दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है और जिसकी आज की परिस्थिति में निहायत जरूरत है वो है तार्किकता का सिद्धांत। बुद्ध कहते हैं सबसे पहले तुम
सवाल उठाना सीखो। सबसे पहले तुम संदेह करना सीखो। किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। जो भी कोई तुमसे कहे कि फलाना इतना महान है, तुम सुनो जरूर, पर तुम्हें यह मानने की कतई जरूरत नहीं है कि वो तथाकथित महान व्यक्ति सत्य ही कह रहा है, या तुम्हारे लिए ये लाजमी है कि तुम उसका अनुकरण करो, उसको फॉलो करो। तुम्हें यह कतई मानने की जरूरत नहीं है कि महान ग्रंथ, चाहे वो कोई भी हो, वो तुम्हारे लिए आप्तवचन है। यहां तक कि मैं भी जो तुमको उपदेश दे रहा हूं, मेरे भी जो प्रवचन है, उनको भी मानने के लिए तुम कतई बाध्य नहीं हो। एक मशहूर कथानक उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके बहुत प्रिय शिष्य, बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य आनंद, उन्होंने कहा, आप अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर लीजिए। बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। मुझे जो कहना था, जो बताना था, वो मेरे असंख्य प्रवचनों में आप सबके सामने हैं। आप उनको सुनते रहे हैं, उन पर मनन करते रहे हैं, वो फैले पड़े हैं सब तरफ, उसमें से आपको जो चुनना हो चुनिए। और उनकी अंतिम लाइन होती थी, अत्र दीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बनिए, अपना रास्ता आप स्वयं खोजिए। आप किसकी भी बात सुनते हैं, सुन लीजिए, पर करिए वो जो आपको तार्किक लगे। ठीक यही बात लगभग इन्हीं शब्दों में भगत सिंह अपनी इस रचना में कहते हैं। मैं नास्तिक क्यों? क्वेश्चनिंग द इनफॉलिबल, वो जो अपने को सबसे ज्यादा सिद्ध हस्त मानता है, उन पर संदेह करना, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने को कितना महान करे, और इशारों इशारों में वो गांधी जी पर भी टिप्पणी करते हैं इसी संदर्भ में कि द ग्रेट महात्मा ऑल्सो सेज लॉट ऑफ थिंग्स, और साफ कहते हैं कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करें। रीजन और प्रयोग, तर्क और प्रयोग, द एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता है, उसी पर सबसे ज्यादा बल दिया भगत सिंह ने। ये क्या दर्शाता है? हम जो हमारा प्राचीन आस्था का जगत है, उसको चुनौती दे। अफसोस की बात है कि आजकल के माहौल में तो बस धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। बार बार श्री राम को याद कर लिया जाता है, पूंगापंथी का कोई अंत ही नजर नहीं आता। लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं जो कि तार्किकता के बाहर। आप लोगों को शायद याद होगा कि भारतीय वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस के मंच पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि भाई गणेश जी का जो चेहरा है वो प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। एक और राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भी महाभारत में जो संजय बता रहा था धृतराष्ट्र को, वो शो करता है कि उस समय में इंटरनेट था। अब इस किस्म की भेद की बातें
हमको ये नहीं दर्शाती कि आज तार्किकता को ताक पर रख दिया गया है और उस प्रवृत्ति के सामने जो भगत सिंह कह रहे हैं हमसे वो कितना जायज हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर ये बताया कि हमको अपने ग्रंथों पर संदेह क्यों करना चाहिए, खासतौर से हिंदुओं के बारे में जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जब वर्तमान लोग पाप करते हैं तो अक्सर उसके बारे में कह दिया जाता है हिंदू द्वारा कि ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा है और इसलिए उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर वो एक सवाल उठाते हैं, डू यू नो दैट द ग्रेटेस्ट सिन इन दिस वर्ल्ड इज टू बी पुअर एंड पॉवर्टी इज पनिशमेंट। कहते हैं अगर भगवान है तो दुनिया में गरीबी क्यों है, वो उसका अंत क्यों नहीं करते? अगर गरीबी एक पाप है तो भगवान किस लिए बैठे हैं? क्या वो उसको देखकर मनोरंजन कर रहे हैं? ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। जेल में उनसे कभी किसी वृद्ध जेली ने सवाल किया था उनकी आस्तिकता के बारे में, तो भगत सिंह ने तो उन्हें कह दिया कि नहीं मैं इसमें कुछ विश्वास नहीं करता। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा ठीक है बेटा, जब तुम मरने के किनारे होगे तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और एक तरह से आप जानिए कि ये वार्तालाप शुरुआत थी इस रचना की। वो तो क्यों ये कहने पे मजबूर हुए कि मैं नास्तिक हूं? जब उनके साथी के ठेल में कहते थे कि तुम मरते दम में याद करोगे भगवान को और प्रार्थना करोगे कि तुम्हारा जीवन बच जाए, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा है इसमें कि मैं समझता हूं कि किसी से भी प्रार्थना करना स्वार्थी होना है और कम से कम मैं अपने स्वार्थ के लिए तो किसी से भी प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर क्या कहते हैं इसको आप मेरा अहंकार समझते हैं तो यही सही। और इस नोट पर उनकी ये रचना समाप्त होती है। एक और पहलू से अगर हम भगत सिंह को देखें तो उन्होंने जो दो संस्थाओं का निर्माण किया, एक तो वो थी जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी भी कहा जाता है, और यहां पर मुझे कहीं कहीं साम्यता नजर आती है भगत सिंह में और नेताजी में। हम सब जानते हैं कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का विस्तार किया, वास्तव में खुद संस्थापक तो नहीं थे उसके, पर 1942-43 में जिस तरह से उसका प्रसार हुआ वो नेताजी के द्वारा ही हुआ। तो ये एक किस्म की आर्मी की संरचना का विचार दोनों में एक महान समानता का आधार प्रस्तुत करता है। और दूसरी तरफ ये मात्र सहयोग नहीं है कि भगत सिंह की संस्था में सोशलिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है, समाजवादी, समतावादी। ये हम सब जानते हैं कि विचारक की दृष्टि से पर और
खान हबीब ने भी इसका उल्लेख किया कि जो रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उसका प्रभाव भगत सिंह पर बहुत गहरा पड़ा था और भगत सिंह बाकुनिन ट्रॉट्स्की लेनिन मार्क्स जैसे विचारकों के रचनाओं के गहन अध्ययन करता था खूब पढ़ा उन्होंने और शायद उसी के प्रभाव में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथ सोशलिस्ट शब्द को भी जोड़ा। नेताजी और भगत सिंह दोनों वामपंथी विचारों से काफी प्रभावित थे और दोनों ही एक किस्म के इगैलिटेरियन सोसाइटी समतावादी समाज के प्रतिपादक थे, समर्थक थे, घोर समर्थक थे। भगत सिंह ने इसके अलावा एक नौजवान भारत सभा भी स्थापित की जिसके वो स्वयं जनरल सेक्रेटरी भी रहे, फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी, और उसके बहुत सारे सिद्धांतों में से मैं दो पर खास तौर से बल देना चाहूंगा। एक तो ये कि जो फिरका परस्ती वाली ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनसे हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। जो ताकतें सांप्रदायिकता या फिरका परस्ती फैलाने में लगी हुई हैं, उनको हमें कभी भी समर्थन नहीं देना है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमको एक सामान्य टॉलरेशन, जनरल टॉलरेशन, सद्भाव की भावना पैदा करनी है जिसका आधार धर्म नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा करने वाले हम नहीं बनेंगे। धर्म जो है वो लोगों की निजी जीवन में रह सकता है पर उसके आधार पर हम सामाजिक गठन करें वो हमारी नौजवान भारत सभा का ध्येय कदा नहीं बन सकता। और फाइनली ये खास तौर से हमारे लिए आज प्रासंगिक हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। Revolution was to be made by peasants, workers and youth. कि जो किसान हैं, जो कामगार हैं, जो जवान हैं, वही क्रांति लाएंगे। और हम सब जानते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह और उसके साथियों का ही दिया हुआ है। Down with imperialism. साम्राज्यवाद हाय हाय, ये नारा लगाते हुए ये लोग फांसी पर चढ़े थे। आज किस किस्म का साम्राज्यवाद हमारे बीच में है जिसको हम नव साम्राज्यवाद कह सकते हैं, उसको याद करें तो भारत माँ के इन तीन सपूतों का बलिदान हमारी आंखों के सामने आ जाता है। प्रोफेसर सौमित्र बैनर्जी ने यह भी जिक्र किया कि वर्तमान शिक्षा नीति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है, उसको अपनी विरासत नहीं माना गया है। खेद का विषय तो निश्चित रूप से है ये, पर यह जानकर मुझे कम से कम हैरानी नहीं होती कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिरकार शिक्षा नीति उन लोगों ने बनाई है जो अंग्रेजों के चमचे थे और जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में अपना खुद योगदान जीरो है, और वो आज हम सबको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं। कैसी विडंबना है। और वो
राष्ट्रवाद के नेताओं की हड़पने में लगे हुए हैं, एप्रोप्रिएशन में लगे हुए हैं, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो नेताजी सुभाष बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, उन सबको हड़पने में लगे हुए हैं, बावजूद इसके कि उनमें से कोई भी इन लोगों की विचारधारा से सहमति नहीं रखता। सहमति नहीं रखता तो एक बात है, वो सब के सब सांप्रदायिकता विरोधी थे। उनका राष्ट्रवाद वो नहीं था जो हमारे आज के शासक हमें बताने की हर दम कोशिश करते रहते हैं। और इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत माँ के ये तीनों शहीद फिर से याद आने लगते हैं। मैं आज अपनी इस प्रस्तुति का अंत इंकलाब जिंदाबाद के नारे से करना चाहूंगा। शुक्रिया। धन्यवाद प्रोफेसर एम श्री मैरी। बहुत ही अहम विषय पर उन्होंने बातों को रखा। भगत सिंह के जीवन की जब चर्चा हम लोग करते हैं, बहुत ही जो अहम विषय है आज की परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से धर्म को राजनीति में लाया जा रहा है और धर्म के आधार पर बंटवारा की कोशिश किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि आज की कमेटी की जो सभा है, सभा में प्रोफेसर एम श्रीमाली जी का जो वक्तव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए आगे बढ़ते हुए, और जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जो प्रचार अभियान करेंगे, इसमें काफी सहायक बनेगी। धन्यवाद प्रोफेसर के एम श्रीमाली। अभी मैं हमारे कमेटी के सह सचिव, ऑल इंडिया जो कमेटी है, सेलिब्रेशन कमेटी सह सचिव और सेव एजुकेशन, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के जो कर्नाटका चैप्टर है, जो शिक्षा आंदोलन चल रहा है, आप लोग जानते होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विभिन्न शिक्षा के जो मुद्दे हैं उस विषय पर जो देश भर में जो लड़ाई आंदोलन चल रही है, जिनमें काफी संख्या में शिक्षाविद, माने जाने व्यक्तित्व इसमें शामिल है, स्टूडेंट शामिल है, नौजवान लोग शामिल है, तो उसी कमिटी का कर्नाटक चैप्टर के सह सचिव मिस्टर राजशेखर जी से मैं अनुरोध करूंगी वो अपना वक्तव्य को यहाँ पर रखें। मिस्टर राजशेखर, यू विल स्पीक इन इंग्लिश। Respected President of today's meeting, Professor K.M. Srimale ji, and many eminent personalities who are on the Zoom, Admiral Ramdas sir, Professor Narinder Sharma, Professor Subodh Sharma, and I think many people are there, I might have left their names. First of all, friends, all of you should forgive me. I cannot speak in Hindi. So, though my English is, I try to be in a simple language, I like to share with you a few words here. Friends, from our Netaji Subhash Chandra Bose 125th birth anniversary celebration committee, many eminent personalities, they all have come together. And while observing the Netaji Day, we are meeting several
personalities. And I like to share with you, when we are talking to many people, many good discussions are going on. And even in different colleges or in localities, when we are going there are many questions are being raised. One is Subhash Chandra Bose is taking the support of Hitler. Was it correct? He supported fascism. Or even some people are raising the point. There's a confusion. He was more inclined towards rightist ideas. We were little astonished because many people, they have not studied the real history, the writings of Subhash Chandra Bose, what he told. So when we told these points, there was a very, very interesting discussion. Some places we do hear that when we are telling that Subhash Chandra Bose, his line was a very uncompromising line, and what were his differences with Mahatma Gandhiji. We do face a question. Some people will misunderstand, meaning when we are criticizing this political line, many people think we are criticizing Mahatma Gandhiji or Subhash Chandra Bose, anybody for that matter. Friends, the basic question here is, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Mahatma Gandhiji, all our political people, what they fought was a political fight. So when we are discussing about a political personality, the political lines will come, contradictory line will come. There will be debate, there will be discussion. It is bound to happen. It's not only I am telling, Subhash Chandra Bose himself tells, what is my difference with Gandhiji? He called him Mahatma. He had a great respect for him. Still he told, what is the difference between me and Gandhiji? The difference is, it is a political difference, ideological difference. Subhash Chandra Bose tells, knowingly or unknowingly, Gandhiji is representing the interests of Tatas and Birlas. He is representing the capitalist interest. I am representing the interests of workers and peasants. This is a class difference. These are words of Subhash Chandra Bose. It's not that I am telling. Or if you take Bhagat Singh, what was his difference with Mahatma Gandhiji? It's very unfortunate. In our history textbooks, most of us, what we have read is the difference between Gandhiji and Subhash Chandra Bose. Difference means it is moderates and extremists. Almost they are being picturized as terrorists. Is it correct? The government in power, they may disagree with the political line of Subhash Chandra Bose. You may disagree. But how can you distort the history? What was the political line of Subhash Chandra Bose? Right. What was the political line of Bhagat Singh? You write it in the history. Students should know the history, real history. What is right or wrong? That will be decided by the people. But very sad thing is, you know, school textbooks, the official history is, all these great revolutionaries whom we call, they have been maligned. So there, what was the difference? It is being written that it is only violence and non-violence. Is it so? The specific difference what Bhagat Singh had with Gandhiji was,
He raises this question. Who has to bring independence to India? The most important is the workers and peasants. They should be organized. And the real revolutionaries are in the villages and the factories. And the Congress fears to bring them to the street, because once the sleeping lion is awakened, it will go against the system itself. They had the experience of Russian Revolution. There he criticizes Gandhiji. Only once they organized the workers and once they organized the farmers, after that the Congress took an official line that the workers and peasants, we should not tamper with them, they should not be organized, because there will be chaos in the society. So Bhagat Singh raises the question, then whom for you are getting independence? What for independence? The majority of the people, if they are not brought to the revolutionary movement, the freedom movement, then whom for you are getting the revolution? So friends, this is the question. Again friends, wherever we are going, we are placing this point. So Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, all these people, all the revolutionaries, with all respect to Mahatma Gandhiji, personal respect, they differed with him very severely. But this is not the line of another extreme what we see, the Godse culture, the RSS culture. They had the difference. With that difference, they wanted to personally eliminate and they killed Gandhiji. But we see another great culture here, the culture of the revolutionaries. Personally, they respected him, but politically, the differences they told, we differ with you, we don't agree with you. So friends, sir, from our committee, why we are organizing this program, it is just not a ritual to organize. We are organizing these programs only to place the real history before the people. When you are placing the history, we cannot undo the history. Whatever is past, we cannot undo it. But you have to take definite lessons from it. We firmly believe that today, for the rise of these communal forces, casteist forces, there has been a limitation in our mainstream freedom struggle, where there was the uncompromising struggle what we should have taken up, unfortunately, by the leadership of the mainstream freedom struggle. With all due respect to Gandhiji and others, they did not take up this struggle. There is a limitation. We have to learn from it. So we are organizing this, we organize such programs, as they were political personalities, on the question of political line, differences will come, debates will come, and we are very, very happy about it. When such a political discussion comes, which line is correct, which line is wrong, is very much required, that should go on. And in this process, our students and youths, we should show to them what is correct. Real respect to giving to them is, what were their dreams and aspirations which are not fulfilled, that we should try to accomplish. Well, I think some of the elders here will know, in his last days, even Mahatma Gandhi himself told, whatever path I pursued, now I am understanding that I was wrong and Subhash Chandra Bose was correct. Unfortunately, he did not live long to see this country today, what is happening. Immediately after the independence also, we did see what all happened. So friends, what I feel, paying real tribute to these revolutionaries or to Subhash Chandra Bose means, what were their ideas, what was their dream, which have been unfulfilled. We all have to come together and we have to create such a society. In the words of Bhagat Singh, what he told, we want a society where there is no exploitation of man by man.
We want such a society where education will be available for all. Job will be available for all. There is no poverty. Women will get real respect. Such a society we have to create. I think if we all should take a pledge to create such a society. So with these few words, I thank you all. Inkulab Zindabad. Thank you, Mr. Raj Shekhar. साथियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हो रही है इसका अंतिम स्तर पर हम लोग पहुंच चुके हैं. इसके बाद एक छोटी सी कार्यक्रम है हमारा कि जो भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में हम लोग कमेटियाँ गठन कर रहे हैं ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन चर्चा के माध्यम से और सिर्फ इतना ही नहीं पूरा साल भर में जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में थे आज़ादी आंदोलन में भाग लिए अपना जान कुर्बान किए उनका जीवन चर्चा इस मकसद से जो कमेटी का गठन किया गया है आज दिल्ली में दिल्ली राज्य में भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा. उसका यहाँ पर प्रस्तावित जो कमेटी है उसको रखा जाएगा समर्थित होगा ताकि भविष्य में दिल्ली में अपने तरीके से दिल्ली कमेटी भी कुछ कार्यक्रम करे लोगों को शामिल कराए और इस जो चर्चा बहस का जो शुरुआत हुई है इसको लगातार इसको चालू रखा जाए. ये जो कमेटी का गठन किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑल इंडिया कमेटी लगभग 300 एमिनेंट पर्सनालिटीज इस कमेटी में है एडवाइजर के रूप में है. आप लोग सुने हैं जस्टिस एपी शाह इस कमेटी का ऑनरेबल प्रेसिडेंट है जैसे सैयद इरफान हबीब साहब है इस कमेटी में जैसे चमन लाल जी हैं आप लोग नाम सुने होंगे बिमल चटर्जी हैं डॉक्टर ध्रुव ज्योति मुखोपाध्याय जैसे साइंटिस्ट हैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सौमित्र बंदोपाध्याय बैनर्जी वो भी साइंटिस्ट हैं देश के माने जाने साइंटिस्ट में से एक हैं अन्यतम हैं. इस कमेटी में हैं जस्टिस चेलमेश्वर जस्टिस चंद्र कुमार जैसे व्यक्तित्व डीपी महापात्र जैसे व्यक्तित्व ओडिशा से ऐसे पूरे देश भर में लगभग 300 ऐसे व्यक्तित्व को लेकर उनके साथ जुड़े हुए हैं छात्र नौजवान और महिलाएं जो आगे बढ़कर ऐसे हस्तियों का जीवन चर्चा करेंगे लोगों के सामने उनका जीवन चर्चा को ले जाएंगे उनका जो मकसद था ये मकसद को उनके सामने रखेंगे जिसको भुला दिया जा रहा है. और हम मानते हैं इस कमेटी के तरफ से ये साजिश आज की नहीं है आजादी आंदोलन के शुरू से ही ये साजिश था. ऐसे व्यक्तित्व भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व रामप्रसाद बिस्मिल जैसे व्यक्तित्व जैसे लड़ाकू जो सैनिक हमारे देश के आजादी आंदोलन के इनको भुला दिया जाए. हम आश्चर्य हो जाते हैं बचपन में हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट्स थे इनके बारे में हम लोग चर्चा करते थे इनका जन्म दिवस मृत्यु दिवस शहादत दिवस हम लोग मनाते थे आसफाकुल्ला खां का नाम नहीं जानते हैं. हम लोग एक ऐसे राइटिंग दिए थे आसफाकुल्ला खां के बारे में ये कौन है स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं. स्कूल में हम लोग ऐसे राइटिंग का कंपटीशन कराए थे प्रतियोगिता ये कौन है कोई लिखे हैं ये फिल्म एक्टर थे सुंदर देखने के बहुत हैंडसम थे. आसफाकुल्ला खां ऐसा व्यक्तित्व जिनका वजन बढ़ता गया फांसी का दिन जैसे जैसे पास आता गया उनका वजन बढ़ता गया ऐसा एक क्रांतिकारी चरित्र. आसफाकुल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल ये जो सरफरोशी की तमन्ना गाना यहाँ पर पेश किया गया उनका लिखा हुआ गाना जो गाना को सुनकर मैंने ये राजनीति में जुड़ने की कोशिश किया. राजनीति मतलब आजकल की राजनीति नहीं इनके बारे में चर्चा बहस में शामिल होना इनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए
अपना जीवन में भी कुछ करना है, उनका जीवन का जो उद्देश्य है उसको लेकर चलने का जो प्रयास मैंने शुरू किया था, गाना सुनकर, भगत सिंह पर लिखा हुआ जो गाना है, फिल्म था एक शहीद, और आज रामप्रसाद बिस्मिल का गाना, उस जमाने में सांप्रदायिकता के खिलाफ ये दोनों ने, इन दोनों ने, दोस्त थे दोनों, अशफाकुल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल, इनका दोस्ती का चर्चा वहां पर घर घर में था, सांप्रदायिकता को हर समय रोकते थे दोनों मिलकर। तो ये जो लड़ाई आंदोलन का जो ताकत, हर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत, भगत सिंह ने जिसको दिखाया अपना जीवन काल में, जीवन संघर्ष में, हर तरह से, हर जगह पर, हर परिस्थिति में, हर विषय पर उनका वक्तव्य है, चाहे जात का आधार पर, जात पात के आधार पर हो, चाहे सांप्रदायिकता के विषय पर हो, नौजवान का कर्तव्य क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स लोगों को राजनीति में पार्टिसिपेट, सक्रिय भागीदारी लेना चाहिए नहीं चाहिए, जीवन के बारे में, जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, और उसको सारा चीज जो है एक विचार के तहत, विचार को सामने रखते हुए, सिर्फ एक इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं था। बोल रहे हैं भगत सिंह, बोल रहे हैं जो क्रांति का जो तलवार है उसको विचारों की शान से ताकतवर बनाना होगा, तेज करना होगा, मतलब विचार चाहिए, सही रास्ता चाहिए, विचार के आधार पर लड़ाई, सिर्फ इमोशनली हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे ऐसा नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, मकसद क्या है हमारे सामने, एक लक्ष्य है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपने जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे उसी समय उनका दोस्त हेमंत सरकार को बोल रहे कि आई हैव ए एम इन माई लाइफ, मेरा जीवन का एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं जीवन धारण कर रहा हूं, ये मेरे लिए जरूरी है। इसलिए उन्होंने जब भी जहां भी गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहां पर उन्होंने एक लक्ष्य को लेकर गए। आईसीएस एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए जब गए इंग्लैंड में, वहां भी उन्होंने एक लक्ष्य को लेकर गए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं, उनके साथ में जो लोग आईसीएस एग्जामिनेशन दिए, परीक्षा दिए, 2 साल पहले से इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई कर रहे थे, बुकी बोल रहे हैं, किताबों का जो कीड़े हैं इस तरह से समाज के बारे में कोई मैंने एकदम इंडिफरेंट ऐसा नहीं थे। इंग्लैंड में जो भी भारतवर्ष की जो सामाजिक जो व्यवस्था है, उसका जो राजनीतिक परिस्थिति, जो भी आंदोलन जो भी हो रहा था उसमें वो शामिल रहते थे बखूबी। तो जीवन का एक लक्ष्य है वो देशभक्ति, देश की मुक्ति। तो भगत सिंह से, भगत सिंह को बहुत मैंने तहे दिल से, मेरे को फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट भगत सिंह को श्रद्धा करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने काफी प्रयास किए थे, यहाँ पर रखे हैं ध्रुव ज्योति मुखोपाध्याय, प्रोफेसर ध्रुव ज्योति मुखोपाध्याय अपना मैसेज में रखे हैं कि उन्होंने गांधी जी से काफी रिक्वेस्ट किए थे, आप गांधी जी बोलने से ही उनका जो फांसी रद्द हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ, ये दुखद घटना है, नहीं हुआ। और भयंकर बात यह है कि हो सकता है ये जो हमारे आपस में बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा जो मतादर्श है आपका मतादर्श एक नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए तर्क बहस होना चाहिए, विचार के आधार पर हम लोग तर्क बहस करेंगे, जो सच्चाई को जानने के लिए एक जगह पर तर्क के आधार पर हम लोग सच्चाई तक पहुंचेंगे। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, उसको उन्होंने एकदम नकार दिए थे। भगत सिंह जब फांसी के बाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के बाद आप लोग जानते हैं पूरा देश एकदम उत्ताल हो गया, हजारों की तादाद में नौजवान छात्र आगे बढ़ाए, देश की नौजवान महिलाएं सारे पूरे देश भर में हलचल पैदा हो गया, लड़ाई और तेज हुई, एक की मौत हुई, हजारों की तादाद में मौत को सामना करने के लिए आगे बढ़ाए। ये देखकर गांधी जी बोल रहे हैं ये जो भगत सिंह की जो पूजा है ये देश को काफी नुकसान पहुंचा रही है, काफी नुकसान हो चुकी है और नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए जहां पर भी ये पूजा, जहां पर भी ये पूजा होगी वहां पर क्या होगा, ना गुंडागर्दी और नैतिक पतन, ये सब चलता रहेगा वहां पर, ये पनप जाएगा वहां पर। और वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गैर समझौतावादी जो धारा है, आप लोग जानते हैं आजादी आंदोलन का 2 धाराएं थे, एक गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग के माध्यम से भीख मांगकर, बातचीत करके,
गोल टेबल बैठक करके आजादी को मांगना और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद इनका नेतृत्व में था हम लड़ के लेंगे आजादी। ऐसा नहीं, हम लड़ के हमारा आजादी लेंगे। तो उसमें भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के फांसी के बाद नेताजी ये सुभाष चंद्र जो वक्तव्य है बोल रहे हैं, ये जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो ये जो घटना हुई ये बोल रहे हैं, सॉरी, भगत सिंह देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाग उठी जो चेतना का, जो विद्रोह का जो चेतना है, ये चेतना का प्रतीक बन चुके हैं। भगत सिंह देश में एक कोने से दूसरे कोने तक जो विद्रोह का जो चेतना ये जाग उठी है, इसका प्रतीक भगत सिंह है, भगत सिंह बन चुके हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि इस चेतना से जो शोले भड़क रहा है वो कभी भी माने वो जिंदा रहेंगे, हर सब वो बुझेंगे नहीं, उसको बुझाना नहीं है, ये हमारा कर्तव्य। इसका मतलब है हमारा काम है इनका जो ये जो उनका शहादत के जरिए देश में जो उथल पुथल हुआ है, देश में जो जागरूकता पैदा है, उसको जिंदा रखना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ये नेताजी का कहना था। डिफरेंस एक था, ये पैरेलली चलता रहा देश में आजादी आंदोलन में। जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ असहयोग आंदोलन से, गांधी जी का नेतृत्व का आंदोलन से ही आजादी मिला, ऐसा नहीं है। देश में हजारों की तादाद में नौजवानों ने अपना जान कुर्बान की है आजादी के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं इनका जो सपना था, भगत सिंह का सपना क्या था, शोषणहीन समाज का स्थापना करना, सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी व्यवस्था का कायम करना जिसमें शोषण नहीं रहेगा, जात पात के आधार पर बंटवारा नहीं रहेगा, जिसमें धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं रहेगा, राजनीति में, शिक्षा में धर्म का अनुप्रवेश नहीं रहेगा, ऐसा एक सामाजिक व्यवस्था चाहते थे। इसलिए हम लोग देखे हैं रूस के जो सोशलिस्ट सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको भूयसी प्रशंसा किए हैं भगत सिंह ने, और ऐसा एक सामाजिक व्यवस्था कायम हो हमारे देश में इसका चाह था उनका अंदर। और उसी हिसाब से आप लोग देखते हैं नेताजी के जो नेताजी का बातों से धीरे 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 आंदोलन के तहत आगे बढ़ते हुए जो चरित्र बदलता रहता है, विचार को तर्क के आधार पर समझते हुए बोल रहे हैं। बचपन में मैं सोचता था कि अंग्रेजों को हटा देने से ही हमारा आजादी मिल जाएगा, हमें आजादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं देखता हूं कि अंग्रेजों को हटाने से सिर्फ हमारा काम जो पूरा नहीं होगा, हमें ऐसा और एक क्रांति करना होगा, ऐसा एक व्यवस्था कायम करना होगा जिसमें हमारी जो सारे समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन, धर्म का समस्या, जात पात का समस्या, इसको हम लोग दूर कर सके, ऐसा व्यवस्था चाहिए, नेताजी के चाह था, भगत सिंह के द्वारा प्रेरित थे। हम लोग जानते हैं जिस दिन फांसी के आदेश हो गया, आगे दिन 24 मार्च को फांसी का दिन धार्य किया गया था, लेकिन अचानक गांधी जी के साथ अंग्रेजों का जो बैठक था उसको करने के लिए, ताकि प्रॉब्लम हो जाए इसलिए आगे बढ़ा दिया गया, गांधी जी ने उनको रद्द नहीं किए, दिन को आगे बढ़ा दिए जल्दी से कर देने के लिए। इवन उनके जो परिवार वर्ग है, दोस्त लोग है, उनको बताया भी नहीं गया। आप लोग जानते हैं इतिहास, ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता है, आज इतिहास को विकृत किया जाता है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। आज नेताजी के बारे में मेरा बचपन में मैंने पढ़ा है कम से कम 15-20 पेज, आज 2-3 पन्ना में कंप्लीट हो जा रहा है इतिहास। भगत सिंह के बारे में छोटा सा एक पन्ना है, इतिहास को विकृत किया जा रहा है, मतलब क्या है, जानबूझकर किया जा रहा है। हम मानते हैं, हमारा कमिटी दृढ़ रूप से विश्वास रखती है कि इसका एक पर्पस है, उद्देश्य है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देश के जो नौजवान है, नौजवान अगर इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इनका जीवन को अध्ययन नहीं करेंगे, एक सामने अगर कोई एग्जाम्पल ना हो, कोई उदाहरण ना हो, भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व ना हो, नेताजी जैसे व्यक्तित्व ना हो, लड़ाकू चरित्र ना हो, तो वो चरित्र नहीं बनती है, चरित्र ही चरित्र को बनाते हैं। इसलिए ऐसा चरित्र को सामने लाना चाहिए जो चरित्र को देख कर हम चरित्रवान बनेंगे, कैरेक्टर तैयार होगा। इस तरह से हुबहू माने अचानक
एक चरित्र बनता नहीं है, एक परिवार में जैसा शिक्षा मिलता है ऐसा ही बच्चे बनते हैं। तेरे सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए, सामाजिक प्राणी के हिसाब से बीइंग सोशल एनिमल वी हैव टू डिस्चार्ज सम सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। ये आता है समाज से, समाज में जो उथल पुथल होता है, जो आंदोलन होता है, जो लड़ाई होती है, जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, उसी से सामाजिक कैरेक्टर हासिल होता है, चरित्र बनता है। तो भगत सिंह, फांसी का समय आ चुका है, लेनिन को पढ़ रहे हैं, दी स्टेट। तो एक दिन बोल रहे, चलिए समय हो चुका है। बोले रुकिए, थोड़ी देर रुक जाइए, रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहे हैं, थोड़े से वेट कर लीजिए। नेताजी के बारे में कांग्रेस में एक व्यक्ति तो बोल रहे हैं नेताजी को कि गांधी जी का जो फॉलोअर्स है हमारे देश में, लेनिन का ऐसा फॉलोअर नहीं थे। तब क्रांति हो चुकी है, लेनिन का इतने फॉलोअर नहीं थे, बहुत ही कम फॉलोअर है। तो नेताजी बोल रहे हैं कम फॉलोअर थे, लेकिन दे आर ऑर्गेनाइज्ड, संगठित है, इसलिए उनका जो मकसद था वो उसको पूरा कर पाए। गांधी जी का बहुत सारे फॉलोअर है लेकिन उन्होंने अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाए। तो यहाँ पर हर विषय पर उन्होंने एक वक्तव्य रखे नेताजी जी। अपना आजाद हिंद फौज में हम लोग जानते हैं, कोई भी गाना, ये जो गाना गाए, कदम कदम बढ़ाया जाए, सुभाष जी, ऐसे बहुत सारा गाना है। गाने में कोई धर्म या कोई ये नहीं है, मैंने एंट्री नहीं है, धर्म का कोई ये नहीं, जात पात का कोई विषय नहीं है। खान पान के बारे में आप लोग जानते हैं, मैंने जो जीवन में उन्होंने जो प्रचार किया, जो वक्तव्य में रखा, जो बोले, उसको जीवन में उसको प्रयोग किए, अपना काम कार्य में उसको मैंने जाहिर किए, उसके माध्यम से। वहां पर महिलाओं को दिया गया, आप लोग जानते हैं झांसी रानी का जो टुकड़ी थी वहां पर ब्रिगेड, महिलाओं ने लड़ाई की आजादी आंदोलन में, महिलाओं का लड़ाई में आना बहुत मुश्किल था, सामाजिक जो वातावरण था उसमें महिलाओं को आना मुश्किल था, एंट्री नहीं मिलती थी। उसमें से कोई व्यतिक्रमी चरित्र थे, जैसे प्रीतिलता वाद्यदार, जैसे शांति सुनीति, ऐसा जो व्यक्तित्व बच्चे महिला लोग आए, दुर्गा भाभी जैसे चरित्र जिन्होंने भगत सिंह को मैंने क्या बोले छद्म रूप से उनका पत्नी बनकर ले गए। आप सोचिए इस हाल का कैसा चरित्र होने से, संस्कृति का किस चोटी पर पहुंचने से उस समय का एक महिला बच्चा के साथ भगत सिंह उनके साथ उनका पत्नी बनकर उनको बाहर ये कर रहे हैं। मकसद क्या है? ऐसा एक क्रांतिकारी का जीवन को रक्षा करना है। ऐसा हो सकता है तो पकड़े जा सकते थे, उनको फांसी हो सकती थी, उनका बच्चा को नुकसान पहुंच सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने भगत सिंह को साथ लेकर उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व, जैसे लड़ाकू चरित्र, इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देश की आजादी आंदोलन को सफल करने के लिए इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे वक्तव्य आज हो चुके हैं, मैं इतना ही बोलूंगी। हमारा कमेटी का ये लक्ष्य है, मकसद है कि इन सारे चरित्रों का अध्ययन करना, जीवन चर्चा करना, घर घर में पहुंचा देना पूरे देश भर में। मैं आप तमाम व्यक्तित्व से जहां जो यहां पर उपस्थित हैं, मैं आशा करूंगी कि आप लोग हमसे सहमत हैं, भगत सिंह का चर्चा बहुत जरूरी है। सिर्फ पंजाब की भगत सिंह नहीं है, पूरा देश भर की भगत सिंह है, देश भर के लिए रामप्रसाद बिस्मिल है। हमारे नौजवानों के सामने, हमारे सामने एक ऐसा चरित्र है जो चरित्र आगे के लिए, अभी वो लोग नहीं रहे, हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका चरित्र है, उनका जीवन संघर्ष है, उसको लेना होगा और हमें देना होगा। हमें सिर्फ लेना है, नहीं देना है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जो भी आजादी को आज भोग कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल आजादी हम लोग को मिला है, अंग्रेजों को भगाकर इन लोगों ने जान देकर जो हासिल किए हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, मतलब भोग करेंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ देंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरीबॉडी ऑफ अस आर सोशल बींग्स, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। विख्यात जो प्रख्यात विज्ञानी आइंस्टीन के विषय माने उनको बोलते हैं, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने उनका विज्ञान का सारा जो साधना, पूरा जीवन भर का जो साधना, जो उपज है,
उसको उन्होंने समाज के लिए दान कर दिए थे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उन्होंने दान किए। ऐसा व्यक्ति तो बोल रहे हैं कि मैं जब लीजरली आवर में, जब अवसर में मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ मैं जो शर्ट पहना हुआ हूँ वो दूसरा का श्रम से तैयार है, जो घर में मैं रह रहा हूँ वो भी दूसरा का श्रम से तैयार है, मैं जो विज्ञान साधना किया, जो भाषा, वो भी दूसरा का श्रम से तैयार हुआ है। एवरीथिंग आई एम गेटिंग इट इज फ्रॉम द लेबर ऑफ अदर्स, दूसरों के जो श्रम है उसके, उससे हमें मिल रहा है सब कुछ, तो मुझे सेम अमाउंट देना होगा, उतना ही अमाउंट में मुझे उनको देना होगा, समाज को देना होगा। समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो है उसको डिस्चार्ज करना है, उसको पालन करना है। अगर ये नहीं करेंगे, सिर्फ आज के जैसे सभा किए, कुछ चर्चा बहस हुआ, फूल मालाएं हम लोग चढ़ाए और घर में जाकर जैसे हम लोग थे ऐसे ही बन गए, उनको भूल गए, उनके बारे में चर्चा नहीं किए, जानकारी हासिल नहीं किए, हमारे बच्चों को उनके बारे में कहानी नहीं बताए जो सच्ची कहानी है, जो हमारे बच्चों को चरित्र देने में मैंने मदद करेगी वो नहीं किए। समाज में जो घटनाएं हो रहे हैं, आज हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, पास में ही सिंघू बॉर्डर है, आप लोग जानते हैं, पास में क्या नहीं टिकरी बॉर्डर है, पास में है गाजीपुर बॉर्डर है, हरियाणा के बहुत सारे बॉर्डर में टडा बॉर्डर वगैरह में चल रहा है। 115 दिन है आज, 115th डे ऑफ द हिस्टोरिक फार्मर्स मूवमेंट, 3 काला कानून के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, जारी है। हम लोग देख रहे हैं डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, जनवाद को कुचला जा रहा है, व्यक्तिगत जो अधिकार को कुचला जा रहा है, छीना जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं हमारा जो अधिकार, सारे अधिकार धीरे धीरे छीना जा रहा है। आज रेलवे का व्यवसायीकरण हो गया है, बेचा जा रहा है इंडियन रेलवे के बदले में आज देख रहे हैं अडानी रेलवे, हमारी टैक्स से जो रेलवे हो रहा है उसको कम पैसा में बेचा जा रहा है पूंजीपति वर्ग को। भगत सिंह अगर जिंदा रहते, नेताजी सुभाष बोस अगर रहते, जिनके नाम पर हम लोग कमिटी बना के इसका पालन कर रहे हैं, जन्म दिवस पालन कर रहे हैं, शहादत दिवस पालन कर रहे हैं, क्या करते, पागल हो जाते, घर बैठ नहीं सकते थे। तो इसलिए आज देश भर के किसान लोग लड़ाई कर रहे हैं, नौजवानों को उनको साथ देना है, नौजवानों को समान रूप से कंधा मिलाकर लड़ना है। आज नौजवानों के लिए जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, भयंकर परिस्थिति है। कोरोना के बाद से ही देखा जा रहा है करोड़ों लोगों का जॉब चला गया, 20 करोड़ से ऊपर लोगों का जॉब चला गया है, रोजगार चला गया है। क्या करेंगे हम लोग जो भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह का जगह जीवन चर्चा करते हैं, मतलब मकसद क्या है हमारा? तो जो भी बोल रहे, जो भी अन्याय हो रहा है इस युग के महान क्रांतिकारी सिद्धार्थ घोष बोल रहे हैं, सच्चे नौजवान हम उन्हें कहेंगे जो हर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, मुकाबला कर सकते हैं हर अन्याय के खिलाफ। हम लोग देखे हैं सच्चे नौजवान, मतलब 25 साल की उम्र है लेकिन कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं बुलंद करते हैं। क्या मकसद है इस तरह का कार्यक्रम लेने का, जीवन चर्चा करने का? अध्ययन मतलब उसको जीवन में प्रयोग करना है। हम इनका जीवन को अध्ययन करें तो उन्होंने जो दिया है, जो तेज दिया है, जो कैरेक्टर दिया है, उस कैरेक्टर को अपना अंदर लाना है और दूसरे के अंदर उसको फैलाना है, इनका चिंतन को देश में कोने कोने में फैलाना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है इतिहास के पन्नों से उनका नाम काट देने से इनका नाम हमारे सामने से एकदम विलुप्त हो जाएगा। अगर हम लोग सारे देशवासी भगत सिंह को याद करना चाहेंगे, हम कर सकते हैं, उनको फैला सकते हैं, उनका जीवन आदर्श को, मतादर्श को फैलाना है, विचार को फैलाना है और इसके द्वारा आंदोलन को, लड़ाई को तेज करना है। अगर भगत सिंह को हम लोग मानते हैं, नेताजी को मानते हैं, नेताजी बोल रहे गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब आजादी पाने के लिए पहले आपको खून देना होगा। आज राजनीति अलग किस्म का है, आज राजनीति को बोलते आप मुझे वोट दो मैं आपको ये दूंगा, टीवी दूंगा, रेडियो दूंगा, आपको ये जॉब दे दूंगा, ये पैसे दे दूंगा, हमें खरीदना चाहते हैं, हमारा वोट का अधिकार को खरीदना चाहते हैं। क्या करते नेताजी सुभाष चंद्र अगर जीवित रहते, अगर भगत सिंह जीवित रहते, राजगुरु जीवित रहते, क्या करते? बैठ सकते थे, लड़ाई करते, हमें भी लड़ना है।
अगर हम लड़ाई करेंगे साथ में हमारे साथ देश की जनता एकदम तैयार है, हमें नेतृत्वकारी भूमिका अदा करना है। महान क्रांतिकारी यीशु के महान विचार जो पेश किए हैं मार्क्सवादी चिंतन का, सिद्धार्थ घोष बोल रहे हैं, देश में जो परिवर्तन आता है, समाज में जो परिवर्तन आता है, उसके अगुवाई करने के लिए चंद लोग ही आते हैं। और चंद लोग कौन है? नौजवान, छात्र, तरोताजा नौजवान। वो आगे बढ़ते हैं, जनता के अंदर जाते हैं, अपना विचार से प्रेरित होकर जनता को संगठित करते हैं, हजारों की तादाद में संगठित करते हैं, और उन्हें अपना जो राजनैतिक जो संगठन क्षमता शक्ति उसको तैयार करने में मदद करते हैं, तब जाकर क्रांति होती है। और बोल रहे हैं हमें मरना है, मनुष्य मरणशील है, वी आर ऑल मोर्टल बींग्स। अगर मरना है तो हमें सर ऊंचा करके मरना है, अगर सर ऊंचा करके जीना है और मरना है तो उसके लिए हमें ये जो समाज में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है, समाज को बदलने के लिए, समाज का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक नया समाज व्यवस्था लागू करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, हमें उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेना होगा, तब जाकर हम सर ऊंचा करके जी सकते हैं, जैसे भगत सिंह ने सर ऊंचा करके जिए और सर ऊंचा करके ही मरे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसा ही किया, अपना सारा जीवन भर संघर्ष किए, लड़ाई को सामना किए। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक सवाल करते, हम लोग जब चर्चा करने जा रहे नेताजी सुभाष बोस के बारे में बोल रहे, वो हिटलर के साथ दिए, हिटलर को साथ नहीं दिए उन्होंने, उन्होंने कांटा से कांटा को उखाड़ने की प्रयास किए, वो एक टैक्टिक्स था, रणकौशल था, रणनीति, उसको समझना होगा। उनको जिन्होंने जो आजादी फौज का गठन किए थे, राजबिहारी बसु क्रांतिकारी नाम सुने होंगे, कभी भी अंग्रेज लोग उनको पकड़ नहीं पाए, हम लोग जानते हैं, अजीब तरह का भेष बदल सकते थे। बचपन में मैंने कहानी सुना, एक घर में थे, कोई घर वगैरह होगा, इनविटेशन था, गए, चारों तरफ से पुलिस घेर लिए, तो आज तो पकड़े जाएंगे, पकड़ नहीं पाए। एक ये जो लैट्रिन साफ करने वाले मेथर बन गए, लैट्रिन का एक डब्बा को लेकर निकल गए, ऐसा एक व्यक्ति था, कभी भी पकड़ नहीं पाए। तो वो उनका एक कहानी है, उससे बहुत ही प्रेरित थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चारू चंद्र जी वो भी क्रांतिकारी थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, उस कॉलेज का प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बुलाया एक दिन एक छात्र को, छात्र बहुत हट्टा कट्टा है एकदम, उस समय बैनबीर था, तो बोले तुमने वो अंग्रेजी जो अंग्रेज जो टीचर है उनको क्यों मारा, मैंने शाही छिड़का दिए, उन्होंने उनका शर्ट को खराब कर दिया, क्यों किया ऐसा, बोल रहे वो बहुत गंदा नाम से हमें बुलाते हैं, बोलते तुम्हारा तुम्हें बुलाते हैं, बोले नहीं सभी को बुलाते हैं, किसी को गधा बोलते हैं, किसी को कुत्ता बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा करोगे टीचर के ऊपर, तो चुपचाप रहे, बोले ठीक है, तो तुम किताब पढ़ते हो, बोला हाँ, क्या क्या पढ़े हो, बोले मैं ये पढ़ा हूँ आनंद मठ पढ़ा हूँ, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, बंकिम चंद्र का आनंद मठ, तो बैन हो गया था वो किताब। बोले ठीक है तुम आओ यहाँ पर, हमारा एक आखड़ा बोलते हैं उसको, जब व्यायाम सिखाया जाता था, लाठी खेल ये सब सिखाया जाता है, वहां पर आओ, तुम्हारा दोस्त है शिरीष चंद्र, उनको लेकर आओ। तो गए वहां पर, एक कहानी बताए, क्या कहानी ना, ये जो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसने उसका कहानी बता के एक जगह पर रुक गए, बोले सिराज उद दौला का इस समय ऐसा परिस्थिति है, अभी हारने वाले हैं, तुम क्या करता है अगर सिराज उद दौला होता है, तीनों को पूछे, और एक थे कानाईलाल दत्त, तो उन्होंने कानाईलाल दत्त बोले सॉरी शिरीष चंद्र दत्त बोले मैं आत्महत्या कर लेता है, मैं उनके हाथों मारा नहीं जाता, मैं आत्महत्या कर लेता है। और कानाईलाल दत्त बोल रहे मैं मेरा गोली में एक गोली बचा के भाग जाता है, जब
जब मौका मिलता फिर मिर्जापुर को मारना होता है। और राजबिहारी वो से बोले, बोले नहीं मैं क्लाइव का दल में जुट जाता है। ये क्या बोल रहे हो क्लाइव का दल में? तो हाँ मैं क्लाइव का दल में जाकर उनका जो रणनीति है बंदूक चलाना गोला चलाना ये सब सीख लेता और उन्हीं का शस्त्र से उनको मार डालता है खत्म कर देता है। मतलब विश्वासघात बनकर मैं विश्वासघातियों का निधन करता है उनको खत्म कर देता है। तो ये रणनीति था उन्होंने हिटलर का मुसोलिनी का जो विश्व भर में जो उनका जो माने हरकत था इसको सपोर्ट नहीं किया कभी उनके सामने सर नहीं झुकाए कभी उनका अपना खुद का जो टुकड़ी था उनका प्रोसेस से वो लड़ाई किए। हालांकि लड़ाई में जो हुआ हम लोग को लास्ट तक पता नहीं लेकिन आखिर तक इंडियन जो सीमांत है वहां पर पहुंच चुके थे। अगर वो लड़ाई में सफल हो जाते आज हमारा देश अलग तरह का बनता ये हम लोग आशा करते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा इनका जीवन चर्चा करना है जीवन संघर्ष को अपना जीवन में प्रयोग करना है चरित्र को तैयार करना है खुद को बनना है दूसरों को तैयार करना है। अगर ये नहीं कर पाएंगे ये सब ताम झाम ये सब चर्चा बहस ये सब मीटिंग का कोई माने मतलब नहीं होता है। तो इसी मकसद से ये कमेटी बनी है। मैं आप तमाम व्यक्तियों से ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी आगे इसको और भी बढ़ाने के लिए चर्चा बहस को आगे ले जाने के लिए इनका जीवन चर्चा को और भी आगे ले जाने के लिए और देश भर में इनके बारे में चर्चा की एक माहौल तैयार करने के लिए आप लोग सहयोग कीजिएगा। और अंत में मैं हमारे कमेटी के तरफ से मेरे अपने तरफ से इन तीनों शहीदों को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के प्रति हमारा क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ और इनकलाब जिंदाबाद के साथ अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। अभी हमारा छोटा सा एक कार्यक्रम है दिल्ली में मैंने जो पहले ही जिक्र किया था कि दिल्ली का राज्य का एक कमिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कमिटी का गठन किया जाएगा उसका नाम का प्रस्ताव करने के लिए कमेटी का नाम प्रस्ताव करने के लिए मैं हमारा जो ऑल इंडिया कमेटी का सचिव असिस्टेंट सेक्रेटरी सह सचिव अमरजीत कुमार को मैं आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी और आदरणीय श्रीमती जी। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कमिटी दिल्ली स्टेट के नाम का जो प्रपोजल है मैं आपके सामने रखता हूँ। एडवाइजर्स प्रोफेसर नरेंद्र शर्मा रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस्टर निरंजन देव सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर सुबोध शर्मा रिटायर्ड प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस वाइस प्रेसिडेंट्स मिस्टर गिरवर सिंह रिटायर्ड टीचर डॉक्टर दौलत सिंह सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अरुण कुमार सीनियर फिजिशियन डॉक्टर दिव्यंदु मैती एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवीण कुमार सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर सीमा वैद्य असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नीतू खन्ना वुमेन एक्टिविस्ट डॉक्टर ज्योत्सना दीक्षित रिसर्च साइंटिस्ट एंड राइटर मिस संदेशिका स्पेशलिस्ट डाइटिशियन मिस्टर शशि भूषण टीचर एडवोकेट अलबिरा एडवोकेट पाटियाला कोर्ट और सेक्रेटरी सुमन स्टूडेंट एक्टिविस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।
assistant secretaries, Dr. Anirban Bhoumi, Ambedkar Medical College, Adhika Dev Garhia, student activist, Delhi University, Mohit, youth activist, Ashish, student, Delhi University, Nutan, student, Delhi University, office secretary, Ashutosh Kumar, youth activist, treasurer, Sona Mani, women activist, members, Ajay Malik, student, Jawaharlal Nehru University, Shubham, student, Saraswati, student, Radha, student, Najma, Surabhi Khanna, student, Himanshu Khanna, student, Manya Singh, student, Sahil, student, Pradeep Dhaka, JNU student. कमिटी का जो प्रस्ताव रखा गया है इसका समर्थन में बोलेंगे समर्थन करेंगे राहुल राहुल सर का अभी जो कमिटी का प्रस्ताव रखा गया आप सभी के समक्ष मैं उस कमिटी का समर्थन करता हूं कमिटी का प्रस्ताव रखा गया है और समर्थन भी हुआ है मैं आशा करती हूं आप तमाम उपस्थित व्यक्ति इस प्रस्ताव को समर्थन करेंगे जोरदार तालियों के साथ कमिटी के बारे में मैं विषय बोलना चाहूंगी यहाँ पर काफी लोग उपस्थित हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कमिटी में जुड़ना चाहते हैं इसमें कोऑप्शन का माने प्रोविजन है माने बाद में कमिटी बैठक करके बाकी लोगों को भी ले सकते हैं काफी लोग हैं दिल्ली में भगत सिंह को चाहने वाले नेताजी को चाहने वाले इनको हम लोग शामिल करेंगे क्योंकि अभी शुरुआत करने के लिए कमेटी का गठन किया गया कमेटी का काम है ऐसे जो व्यक्तित्व तो हैं हमारे बीच में आसपास में उनको इसमें जोड़े और इसको कार्यवाही को आगे बढ़ाए अभी सिर्फ इतने सारे लोगों का मैंने बहुत लंबा समय से आप लोग सुन रहे हैं परिचय करना संभव नहीं है सिर्फ मैं जो सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट जो सच्चिदानंद जी आ नहीं पाए प्रोफेसर सच्चिदानंद जी तो कुछ अलग काम के वजह से नहीं आ पाए तो मैं सिर्फ सुमन जो सचिव बने हैं कमेटी की उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँ यहाँ आकर सभी को परिचय दे अपना सुमन हम लोग ये कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम जारी है अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक संगीत के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम की समाप्ति होगी Thank you.
पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, इस झूठे जश्न की रौनक में, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। अब याद है भगता तेरी यादे, अब याद है भगता भगत सिंह जो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह जो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है, सांस जहां लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर मर मिटने की, शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इनकलाब के नारे में, 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 इनकलाब के नारे में। ये गीत है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का ही लिखा हुआ, ये आप सभी के सामने गाने जा रही हूँ। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुख सत उन्हें इतना भी न आए कह कर, गोद में आंसू कभी टप के जो दुख से बह कर, तिफल उनको ही समझ लेना बहल जाने को, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, नौजवान
संकट के पन्ना माथे पे शिकन आए कसम खाने को पन्ना माथे पे शिकन आए कसम खाने को अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था रंज रखा था महन रखा था गम रखा था किसको परवाह थी और किस में ये दम रखा था हमने जब वादिये गुरबत में कदम रखा था दूर तक याद वतन आई थी समझाने को दूर तक वतन आई थी समझाने को अपना कुछ गम ही नहीं पर ये ख्याल आता है मादरे हिंद पे कब तक ये जवाल आता है देश आजादी का कब हिंद में साल आता है कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर वक्त रुख सत उन्हें इतना भी न आए कहकर गोद में आंसू कभी टपके जो दुख से बहकर तिफल उनको ही समझ लेना बहल जाने को अभी दिल्ली जो नवनिर्मित जो कमेटी बनी उसके जो सचिव सुमन आपके सामने एक अनाउंसमेंट रखेंगे घोषणा के बाद साथ ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा जैसा आप सभी जान रहे हैं कि 23 मार्च यानी मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस है उसी दिन सुबह 9 बजे आईटीओ शहीदी पार्क पर हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमेटी की तरफ से शहीदों की मूर्ति पर माल्या अर्पण करेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा समय निकालकर इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित हो मंगलवार 23 मार्च सुबह 9 बजे धन्यवाद साथियों बाहर चाय और